दोस्तों, मैं बीएफ में सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल। और दोस्तों, आज आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि सीएसएस बूटस्ट्रैप से कैसे बेटर और डिफरेंट है। दोस्तों, हम लोग करते क्या है, बूटस्ट्रैप में सारे बने बने क्लास को कॉल करते हैं, सारे बने लाइब्रेरी क्लास को कॉल कर लेते हैं, जिससे कि क्या होता है, उसके बने हुए कंटेंट ऑटोमेटिकली चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर हम कर दिए उसमें कुछ आपको चेंजेस करने के लिए, क्या आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि वो पैच फाइल होता है, उसको डिस्प्ले हम लोग नहीं कर सकते। तो दोस्तों, यही आप लोगों को बताना चाहते थे। दोस्तों, जैसे कि आप लोग ऐसे बहुत से बूटस्ट्रैप के कंटेंट बने होंगे, जिसमें कि वो जैसे कि आप लोग लेते हैं स्लाइडर, स्लाइडर में करते क्या, स्लाइडर में हम लोग स्लाइडर नाम से क्या टैग को कॉल करते हैं, और कॉल करने के बाद और सारे प्रोसेस वही लिखते हैं सी एस एस के। जब तक उसको एड नहीं करते तब तक वो क्या होता है, स्लाइडर हमारा वर्क नहीं करता। दोस्तों, ऐसे बूटस्ट्रैप का क्या फ़ायदा, आप ही सोचिए, कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं। दोस्तों, हम चाहते हैं कि हमारे पास एक ऐसा जरिया हो सी एस एस से, यहाँ पे कॉस्ट कटिंग स्टाइल शीट। तो दोस्तों, सी एस एस जो होता है इतना आसान होता है कि बोल रही है, इसमें क्या होता है, हम लोग ऐसे डाटे में वर्क करते हैं, इसमें सीएसएस क्या होते हैं, बूटस्ट्रैप का फाइल जोड़े हुए हैं, या किसी एस एस के लिए स्टाइल शीट हम लोग जोड़ दिए हैं, तो बस उसमें डॉट क्लास नेम एक लिख देते हैं, सही से बॉडी वर्क बॉडी, और उसका कलर बैकग्राउंड कलर ब्लैक ग्राउंड कलर लिख देते हैं, लिया लाइट ब्लू। तो ऐसे कहते हैं टी दिया, टी मतलब पैराग्राफ के लिए यूज किया गया था। तो फ्रंट जो होना चाहिए, फ्रंट फैमिली वर्डाना नाम का होना चाहिए, जो होता है फ्रंट होता है, वर्डाना एक दोस्तों फ्रंट होता है, और कह रहा है फ्रंट साइज जो है 20 पिक्सल। अगर जो हमारे पास सामने स्क्रिप्ट में दिखेंगे वो क्या होती है, 20 पिक्सल पैरा के लिए भी कलर। तो कुछ इतना वर्क करता है, जो हम क्या करते हैं कॉन्टेंट लिखने लाइब्रेरी में वर्ड को सॉरी मतलब स्पीक को टी वी क्लास को कॉल करते हैं, ये वर्क करता है। या तो हम लोग ऐसे कर लें, या तो फिर स्क्रिप्ट ऐसे जो कॉन्टेंट है हम लोग लिख लें। जबकि यहीं पर आप लोग उसको दिखाते हैं बूटस्ट्रैप की बात करते हैं, दोस्तों आप लोग इसको भी देख लीजिए। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ दिखा दिया आपको बूटस्ट्रैप, यहाँ पर आते हैं दोस्तों। W3 स्कूल का बूटस्ट्रैप जो होता है काफी बेटर होता है। तो हम सब जहाँ तक देखते हैं कि W3 स्कूल खुल जाए बूटस्ट्रैप, W3 स्कूल दोस्तों यहाँ पर लिख देने से बूटस्ट्रैप बोलते हैं उसको, बूटस्ट्रैप हमारा आ गया, खुल गया। और इसमें आप लोग दिखाते हैं बस सिंपल देख लीजिए दोस्तों, ये बूटस्ट्रैप का कंटेंट है। ऐसे क्लास जंबोट्रॉन टेक्स्ट कॉलेज सेंटर दोस्तों, यहाँ जंबोट्रॉन है क्या, क्या आप लोग जानते हैं जंबोट्रॉन है क्या? आइए हम आपको दिखाएं जंबोट्रॉन है क्या। यहाँ पर कहते हैं ट्राई इट योर सेल्फ, हमारा पेज रन कर गया और एक खुला दोस्तों। देखिए जंबोट्रॉन में एक बोल दिया क्लास है, एक एरिया है जहाँ पर कुछ अलग टाइप का उसका डिजाइन ऑलरेडी सीएसएस में किया हुआ है, अलग तरीके से मतलब सारा सब फ्रंट साइज हर बना हुआ है, उसमें दिखने वाले चेक फ्रंट साइज कलर सब बने हुए ऑलरेडी। बस हम कॉल क्लास को कॉल कर लिए, जंबोट्रॉन आ गया। दोस्तों, ये हुए बूटस्ट्रैप। लेकिन जब बात करते हैं सीएसएस की, सीएसएस में दोस्तों इसको हम अपने बना के लिखेंगे, तो इससे हमारा फायदा होता है कि हमारे पास जो हमारी नॉलेज स्किल है वो भी ग्रोथ होगा, और साथ साथ सारे कोडिंग को भी प्रॉपर ढंग से लिखने भी आ जाता है। दोस्तों, हुआ ना बेटर बूटस्ट्रैप सीएसएस से, सॉरी मतलब सीएसएस बूटस्ट्रैप से, क्योंकि जो काम उसमें हम क्लास याद करेंगे उतना तो हम थोड़ा सा बस माइंड करेंगे तो सी एस एस पूरी तरह से आ जाएगा, और फिर कभी हम लोगों को बूटस्ट्रैप की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। सी एस एस से फायदा है कि किसी भी आकृति या फिर किसी भी डिजाइन को फ्रंट व्यू को जैसे आप वैसे मोड़ सकते हैं, बूटस्ट्रैप उतना नहीं मोड़ सकते, इससे बने बने क्लास ही आएंगे जो हम कॉल करेंगे तभी वर्क करेंगे। दोस्तों, इससे अच्छा हम आप लोगों को यही सजेस्ट करेंगे, क्योंकि हमारे भी जो एक्सपीरियंसेस हैं पिछले 5-6 सालों से, तो हमने ही किया है।
मैक्सिमम सीएसएस सीरीज के, जबकि दोस्तों हम जो पढ़े हुए थे जिसमें ट्रेनिंग टाइम हम ट्रेनिंग फील्ड में बोट स्टॉप, लेकिन अब यूज करते हैं सीएसएस के, क्योंकि उससे बेटर पता किसी भी वेब पेज को जिस ढंग चाहे उस ढंग में मोड़ सकते हैं, जिस ढंग चाहे उसे देख सकते, लेकिन बूट स्ट्रैप में ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि इसमें क्लास बने होते हैं, जैसा दिया है वैसा ही आएगा, उसके अलावा कुछ अलग नहीं आने दोस्तों। तो इसलिए बोलते हैं कि सीएसएस इज बेटर देन बूट स्ट्रैप। दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो और अपने पढ़ने वाले भाइयों के साथ शेयर करिए और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम आपको आप अगर हमसे मतलब जो भी कैसा चाहे प्रोग्रामिंग के तौर पर, चाहे जिस लैंग्वेज में चाहे, तो पूछ सकते हैं दोस्तों। आप कमेंट करिएगा, हम वीडियो जब बनाएंगे। तो दोस्तों अलविदा, बाय बाय।